जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। आइए दोस्तों इसका जो सेंट्रल आइडिया है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल आइडिया इसका अर्थ होता है सारांश। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, सारांश होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लेसन हो, कोई भी पाठ हो, उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो मेन पॉइंट होता है, जो कभी कहना चाहता है, ओके, जो कभी का मेन पॉइंट होता है, उसी को हम अपने जब भाषा में लिखते हैं, अपने भाव में लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेंट्रल आइडिया या सारांश। ओके फ्रेंड्स, तो आइए कभी का यहां मेन पॉइंट क्या है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए कवि कहता है इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेज, कभी प्रशंसा करता है, प्रेज माने प्रशंसा करना, स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता का। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ओके फ्रेंड्स, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेज, कभी प्रशंसा करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता का, एंड कंडेम्स, और निंदा करता है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता का। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार और जान लेते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स फिजिकल ब्यूटी, इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता का बखान करता है और फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता का निंदा करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए और जानते हैं। ही सेज, वो कहता है दैट कि फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, एज जैसे लवली चिक्स, प्यारे प्यारे गाल हो गए, कोरल लिप्स, मुगा जैसे ओठ हो गए, एंड स्टार लाइक आइज, सितारे जैसी आंखें हो गई, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल ब्यूटी होते हैं, शारीरिक सुंदरता होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सब जितने भी होते हैं डिक्रीजेज, ये सब घट जाते हैं, डिक्रीज माने होता है घट जाना। ओके, डिक्रीजेज घट जाते हैं एज द टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है। ओके फ्रेंड्स, आइए एक बार और जान लेते हैं। ही सेज, वो कहता है दैट कि फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, एज जैसे लवली चिक्स, कोरल लिप्स, एंड स्टार लाइक आइज, ये जितने भी सुंदरता होते हैं ये सब कुछ डिक्रीजेज घट जाते हैं एज द टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है। ओके फ्रेंड्स, So, और इसलिए द लव बेस्ड ऑन दिस ब्यूटी, और इसलिए द लव, वो मोहब्बत, बेस्ड ऑन दिस ब्यूटी, जो इस सुंदरता पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है, इज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, वो भी क्षणभंगुर होती है, अर्थात कम समय तक जीती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भी किसी का मोहब्बत इस सुंदरता पर आश्रित होगा, फिजिकल ब्यूटी पर आश्रित होगा, एक्चुअली इट इज टू फैक्ट, वो समय के साथ साथ घट जाएगा। और इसलिए कभी कहना चाहता है कि द लव, सो द लव बेस्ड ऑन दिस ब्यूटी, और इसलिए वो मोहब्बत जो इस सुंदरता पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, इज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, वो क्षणभंगुर होता है, अर्थात कम समय तक जीता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे बुढ़ापा आता है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है, प्यार मोहब्बत। आइए दूसरा देखते हैं। ऑन अदर हैंड, जबकि दूसरे तरफ, ही सेज, वो कहता है, कभी कहता है दैट कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता, एज जैसे ब्यूटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की सुंदरता, सोल, आत्मा की सुंदरता, एंड कैरेक्टर, चरित्र की सुंदरता, इंक्रीजेज एज द टाइम पासेज, ये समय के साथ साथ बढ़ते हैं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, ही सेज, वो कहता है दैट कि स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो आध्यात्मिक सुंदरता होता है, जैसे ब्यूटी ऑफ माइंड हो गया, सोल एंड कैरेक्टर हो गया, ये जितने भी सुंदरता होते हैं वो इंक्रीजेज, बढ़ते रहते हैं एज द टाइम पासेज, जैसे समय बीतता है। ओके फ्रेंड्स, सो, और इसलिए द लव बेस्ड ऑन दिस ब्यूटी, और इसलिए वो मोहब्बत जो इस ब्यूटी पर, जो इस सुंदरता पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, इज लॉन्ग लिव्ड, वो लंबे समय तक जीता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, जिस भी किसी का मोहब्बत प्योर हार्ट से होता है, माइंड एकदम बेस्ट हो, सोल अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, और अगर इस प्रकार से वो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो एक्चुअली उनका जो लव होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है, ना कि घटता है। ओके फ्रेंड्स, और इसलिए कह रहा है सो द लव बेस्ड ऑन दिस ब्यूटी इज आल्सो लॉन्ग लिव्ड, और इसलिए वो मोहब्बत जो इस सुंदरता पर आश्रित होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, लंबे समय तक जीता है। ओके फ्रेंड्स, यहां देखिए, इन दिस वे इस तरीके से द पोएट एडवाइजेज, कभी सलाह देता है अस, हमको, टू लव स्पिरिचुअल ब्यूटी, कि हमें आध्यात्मिक सुंदरता से मोहब्बत करना चाहिए, एंड टू हेट फिजिकल ब्यूटी, और फिजिकल ब्यूटी अर्थात जो शारीरिक सुंदरता होता है उससे नफरत करना चाहिए, विदाउट वर्चूज, जो बिना गुण का होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा है सेंट्रल आइडिया।
आपके पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंस अदा करेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं वीडियोज अब तक पहुंचाता रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।